हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन। आज हम लोग परम्यूटेशन के कुछ सम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि 5 पर्संस ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई जो है एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, जहाँ पे क्वेश्चन ये है बी एंड डी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। इसका मतलब एक सर्कुलर अरेंजमेंट में ए बी सी डी ई बैठे हुए हैं, जहाँ पे बी और डी तो हमेशा साथ में बैठेंगे, तो उनका परम्यूटेशन कितना होगा, मतलब कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट आएंगे, ये हमें पता करना है। तो एक काम करते हैं, बी और डी को साथ में बैठाते हैं और इन्हें एक यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये हुआ, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ, बी और डी को साथ बैठा के एक प्लेस मान लिया हमने, एक ही प्लेस, ये दो प्लेस की जगह अब एक प्लेस हो गया, तो बाकी कितने बचेंगे, ए सी ई, तो टोटल प्लेसेस कितने हैं, 4 प्लेसेस हैं। 4 प्लेसेस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देर आर टोटल हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर, 4 प्लेसेस, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज 4 माइनस 1, और ये अरेंजमेंट खुद ब खुद 2 फैक्टोरियल जैसा होगा, तो ये 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल, 2, तो 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 दैट इज 12, 12 इज द फर्स्ट आंसर। अब बोला जा रहा है ए एंड डी नेवर सिट टुगेदर, इसलिए हमने क्रॉस दिया है। अगर नेवर सिट टुगेदर है तो पहले ये सोचो कि ए एंड डी को साथ बैठा के देखते हैं, ए एंड डी को साथ बैठाएंगे तो सेम इसके जैसे प्रोसेस करना होगा, ए और डी को एक यूनिट मानना होगा, एक प्लेस मानना होगा, तो आंसर क्या आएगा, सेम वही 12 आएगा। अब क्या करो, टोटल अरेंजमेंट क्या होता अगर ऐसे, टोटल लो कितने, 5, तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल डैट इज इक्वल्स टू 24। अब टोटल अरेंजमेंट 24 है, ई एंड डी को साथ बैठाएंगे तो 12 आएगा, अगर हम टोटल में से 12 को माइनस कर दें, मतलब वो ही होगा हमारा ई एंड डी को नहीं बैठाने का प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल केसेस, टोटल में से ई एंड डी जो साथ बैठे हुए हैं वो है 12 अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स होंगे 24। अब ई एंड डी साथ नहीं बैठने क्या होंगे, 24 में से 12 माइनस कर दीजिए, 12 आ गया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बताया गया है 4 लेडीज़ एंड 4 जेंटलमैन सिट अराउंड अ राउंड टेबल डैट ऑल लेडीज सिट टुगेदर, सभी लेडीज साथ में बैठेंगी, तो इसमें आपको ये बताइए मुझे, अगर सभी लेडीज साथ में बैठेंगी तो इनके अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, तो 4 लेडी को एक यूनिट मान लो, अगर 4 लेडीज को एक यूनिट का मतलब एक यूनिट पूरा एक ही एक प्लेस वैल्यू हो गया, अब एक प्लेस वैल्यू हो गया तो बाकी बचे 4 जेंटलमैन्स और एक प्लेस वैल्यू, मतलब 4 लेडीज एक क्लब कर दिया हमने, एक प्लेस हो गया, तो 4 प्लस 1 5, टोटल 5 लोग हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होगा, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल डैट इज इक्वल्स टू 24। अब हमें ये देखना है कि हमने इसे एक यूनिट माना, अब ये 4 लेडीज जो बैठी हुई इनके अंदर भी तो एक अरेंजमेंट होगा, जो अपने में पहला लेडी कोई बैठी थी अब वो आखिरी में आ गई, कोई पहले उठ के आ गया, दूसरा लेडी अब फर्स्ट हो गई, ऐसे करके अपने में अरेंजमेंट होगा, वो क्या होगा, तो ये 24 4 फैक्टोरियल लिख दो, उसके साथ में इसका 4 फैक्टोरियल लिख देना, ठीक है, ये 4 फैक्टोरियल यहाँ लिखा, फिर इसका 4 फैक्टोरियल यहाँ लिखा, तो आंसर हो जाएगा 576। सेकेंड क्वेश्चन ये बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन, 6 पर्सन सिट राउंड द टेबल, हाउ मेनी वेज कैन दे सेट दैट नो पर्सन हैज सेम नेबर्स, मीन्स 6 लोग एक राउंड टेबल में बैठे हैं, इस तरीके से इन्हें बैठाना है कि इनके सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए, मतलब एक आदमी का नेबर अगर ये एक आदमी का ना एक ए ना करके आदमी है, उसका नेबर अगर बी है तो उसी का सी करके आदमी का भी नेबर बी नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, मतलब सी यहाँ हो सकता है, तो ये पॉसिबल कितने तरह के पॉसिबल केसेस बनेंगे, तो आपके फॉर्मूला पता ही है, फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 1 और हाफ फैक्टोर 5/2 इस 120/2 डैट इज इक्वल टू 60। तो चलिए अब हम लोग करते हैं अलग तरह का क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन ये है 7 men and 7 women आर सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल एंड नो 2 women आर टुगेदर, नो 2 women आर टुगेदर, तो इसको कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले तो हमें एक दो यूनिट दो वुमेन को टू वुमेन्स को एक यूनिट बनना होगा, एक प्लेस वैल्यू बनना होगा, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 लोग, अब प्लेस कितने हो जाएंगे, 5 प्लेसेस हैं और एक यूनिट माना है इनको, तो एक और प्लेस हो गया, तो 5 प्लस 1 इज 6 प्लेसेस, तो अगर इनका अरेंजमेंट होगा तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल डैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल, अब ये एक यूनिट किनको माना है, 2 वुमेन्स को माना था, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल,
तो हाउ मच इट विल बी 120 इंटू 2 दैट इज 360. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.